हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में बैठक का आयोजन। समीपवर्ती रिको स्थित एक निजी होटल में इंडियन यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सिरोही जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र जाखोड़ा के नेतृत्व में सिरोही जिला यूथ कांग्रेस की बैठक का आयोजन राजस्थान सह प्रभारी पलक वर्मा, जोधपुर संभाग प्रभारी राकेश मीना, प्रभारी तेज करण चौधरी व सिरोही प्रभारी बंसीलाल सैनी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। यूथ कांग्रेस के 58वें स्थापना दिवस पर जिला यूथ कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक के शुभारंभ से पूर्व सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान राजस्थान सह प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा ने कहा कि यूथ कांग्रेस हमेशा से ही सक्रिय रही है और कोरोना काल में भी यूथ कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस आगे भी ऐसे नेक कार्य में सहभागी बनेगी। इस अवसर पर जोधपुर संभाग प्रभारी राकेश मीना ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने पूरे देश में करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, जिसके खिलाफ आवाज उठाना हर एक युवा का हक है। सिरोही जिला प्रभारी तेज करण चौधरी ने कहा कि देश बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी ने देश को जकड़ रखा है, जिसके लिए सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिसे हमें उखाड़ फेंकना है। सह प्रभारी बंसीलाल सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसने का आह्वान किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जाखोड़ा ने सभी प्रभारियों को विश्वास दिलाया कि पूरे राजस्थान में हमेशा सिरोही जिला आपकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाएगा और हर एक कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है। सभी प्रभारियों और जिला अध्यक्ष ने जिले की तीनों विधानसभा अध्यक्षों के कार्य को मूल्यांकन कर पिंडवाड़ा आबू विधानसभा अध्यक्ष निकेश रावल को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड से नवाजा, जिससे सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस प्रदेश कमेटी सचिव डिंपल सिंधल, सिरोही शिवगंज के यूथ प्रभारी अजरुद्दीन मेमन, रेवदर प्रभारी राजपाल सिंह देवड़ा, आबू पिंडवाड़ा प्रभारी महावीर सिंह जाखोड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष भवनीश बरोट, रेवदर विधानसभा अध्यक्ष हरसुल अग्रवाल, पूर्व प्रदेश महासचिव भवानी सिंह भाटी ने भी समारोह को संबोधित किया। केक काटकर मनाया स्थापना दिवस। सरूपगंज के एक निजी होटल में यूथ कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सह प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा के हाथों से केक काटकर स्थापना दिवस को मनाया गया। कोरोना के इस दौर में पूरे जिले में अच्छा काम करने के उपलक्ष्य में जयेश रावल और भुवनेश मीना को विशेष सम्मान के साथ सम्मानित किया। बॉर्डर से लगे हुए हमारे जिले हैं, जैसे बांसवाड़ा है, सिरोही है, वहाँ पर सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो पहले तो आप सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों। दूसरा, अभी भी कोरोना का संक्रमण गया नहीं है। लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है तो कोरोना चला गया है, परंतु जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ रही है, कोरोना के संक्रमण से लोग भयभीत है। उसके पश्चात आप लोग ये मीटिंग में आए हैं और अपना समय दे रहे हैं, ये अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि ऐसे समय में घर वाले आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। और युवा कांग्रेस फ्रंट लाइन में आकर लोगों के लिए आज भी कार्य कर रहा है और हमेशा करता है। जागरूक टीवी के लिए स्वरूपगंज से जिग्नेश अग्रवाल की रिपोर्ट।